तो हेलो गाइस, सबका स्वागत है। मैं चल भारत। गाइस आज के वीडियो में हम फार्मिंग करने वाले हैं। और जो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये घोड़ा जिसे मैंने यहाँ पे पकड़ रखा है, आप इसके अंदर बड़ी आसानी से जा सकते हो लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकते। और इधर मैंने ये गेहूं का बंडल जो मैं किसी और गाँव से लाया था, और इधर मैंने एक ये लाइट के लिए मैंने यहाँ पर लालटेन लगा रखा है। तो फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होता है वो है हुई क्या। और तो हुई को बनाने के आपको क्राफ्टिंग टेबल में ना स्टिक को ऐसे रख देना है, और जिस चीज़ का आप बनाना चाहते हो उसको ऊपर इस तरीके से रख देना है। अब मैं स्टोन का बनाना चाहता हूँ तो मैंने स्टोन को इस तरीके से मैंने रख दिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बकेट कैसे बनाते हैं। तो बकेट को बनाने के लिए आपको ना आयरन को वी शेप में आपको रख देना है, तो आपको बकेट मिल जाएगा। तो अभी मैंने पहले से ही बना रखा है तो मैं इस बकेट को नहीं लूँगा। तो अब चलते हैं पानी को लेने के लिए। और अगर आपके पास ना आयरन है जिसे आप बकेट को बना सको, तो हुई से ना आप किसी नदी के किनारे या फिर जहाँ पे भी पानी उसको आसपास ना आप इस तरीके से हुई लगाकर आप खेती कर सकते हो। तो अभी मैं यहीं पे ही खेती करूँगा। तो अब यहाँ से डर्ट को हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं पानी को रख देता हूँ। और जहाँ पर आप पानी को रख रखे हो ना, उसके ना आसपास ना इस तरीके से आप एक बार ऐसे क्लिक कर दोगे ना तो वो पॉली मिट्टी हो जाएगी। तो इसके चारों तरफ ना इसी तरीके से ना आपको पॉली मिट्टी करना है। और अगर आप ना ये पानी के 5 ब्लॉक दूर तक इस तरीके से आप हुई को लगाते हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे हुई लगाने का, क्योंकि पोली मिट्टी का मतलब होता है जैसे यहाँ पे ग्रे ग्रे से हो चुके ना, ये जैसे आप देख रहे हो वैसे होना। और ये 5 ब्लॉक दूर तक ऐसे ग्रे चॉकलेटी से नहीं होंगे, और वापिस वो डर्ट में बाद में बन जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है 5 ब्लॉक दूर तक हुई को लगाने से। तो गैस के चारों तरफ मैंने इस तरीके से पॉली मिट्टी कर लिया है। तो अब मैं वीट का बीज लूँगा। तो उसको लेने के लिए आपको ना ये वाले जो घास होते हैं ना, ये वाले, इन सबको ऐसे तोड़ना होता है। ज़रूरी नहीं कि सब में ही मिलेगा, किसी किसी में ही मिलता है। जैसे अभी मैंने इसमें तोड़ा ना तो ये बीज निकल आया ना, यही होता है वीट का बीज। और अगर आपके आसपास ना कहीं घास नहीं है ना, तो ये बोन होता है ना, बोन से आप बोन मिल बना कर अगर आप ये जो ग्रास डर्ट होते हैं ना इनके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे ना, तो बहुत सारे घास उगाएंगे। तो इनको तोड़ के आप बीज को ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास 6 बीज हो चुके हैं, और ये देखो यहाँ पे डर्ट बन चुके हैं, इसलिए मैं मना कर रहा था 5 ब्लॉक पे हुई नहीं लगाने से। और इनको बोने के लिए ना आपको बस ऐसे क्लिक करना होता है और ये उग ऐसे लग जाते हैं और अपने आप उगते रहेंगे। और अगर आपके पास ना ये जो बोन मिल होता है ना, इन बोन मिल से अगर इसके ऊपर ऐसे क्लिक करोगे ना, तो ये जल्दी जल्दी उगेगा। और अभी कुछ देर में रात भी होने वाली है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो गाइस जब मैं आपको बताता हूँ ब्रेड कैसे बनाते हैं। तो ब्रेड बनाने के लिए अपना वीट की ज़रूरत होती है, और मैंने वीट को तोड़ लिया है। और अभी मेरे पास 4 बीज हैं, सबको मैं पहले उगा देता हूँ। ओके, तो अब चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल पर। तो आपको ब्रेड बनाने के लिए ना जो वीट होता है ना, इस वीट को ना आपको क्राफ्टिंग टेबल में आपको इस तरीके से लाइन से आपको रख देना है, जिससे आपको ब्रेड मिल जाएगा। तो गाइस जब मैं इसके चारों तरफ इधर ना मैं फेंस को लगाऊंगा, क्योंकि जो जानवर होते हैं या फिर जॉम्बीज होते हैं ना, इसके अंदर आकर फिर कूदने लग जाते हैं, जिससे पोली मिट्टी को ये ख़राब कर देते हैं। इसलिए मुझे फेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं पहले प्लैंक बना लेता हूँ। यहाँ पर अभी एक फेंस बन सकता है तो मैं इसे भी बना लेता हूँ। और थोड़ा सा और स्टिक बनाना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो फेंस, ये अभी मैं गेट बना रहा हूँ, फेंस गेट। इसको बनाने के लिए दोनों तरफ स्टिक और बीच में आपको प्लैंक को रखना होता है, ये बाहर और अंदर आने के लिए होता है। तो अभी मैं यहाँ पे फेंस बना रहा हूँ। इसको बनाने के लिए आपको दोनों तरफ प्लैंक को और बीच में आपको स्टिक को रखना होता है, जिससे आपको फेंस मिल जाएगा। अब इसके चारों तरफ मैं ऐसे लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मेरा सारा फेंस ख़त्म हो चुका है, तो मुझे फिर से थोड़ा सा फेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फेंस बना रखा है। तो अभी मैं थोड़ा सा डार्क ओए के वुड का भी मैं फेंस बना लेता हूँ। उसका मैं कहीं कहीं लगाऊंगा ना बीच बीच में, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। तो इतने फेंस तो काफ़ी तो नहीं है, थोड़ा सा और मुझे फेंस बनाना पड़ेगा। तो पहले इन सबको मैं लगा देता हूँ, फिर थोड़ा सा और फेंस बनाएंगे। तो पहले मैं इसको काट लेता हूँ, फिर यहाँ पे मैं डार्क वे के फेंस लगाऊंगा।
इसका नाम स्पेस फेंस नाम है, और जब से मैं इसको डार्क वेब फेंस कह रहा था। तो गाइस अभी मेरे पास वो जो स्पेस फेंस था वो ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा सा और मुझे फेंस बनाना पड़ेगा। तो अभी क्राफ्टिंग टेबल को मैं यहीं पे ही लगा दे रहा हूँ, बार बार घर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा और मुझे फेंस बनाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसके चारों तरफ फेंस लगा दिया है। तो अब मैं यहाँ पर ना बीच में गेट लगाऊंगा जो मैं बना के लाया था, ये वाला। तो अब मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये आने जाने का रास्ता बन चुका है। और दूसरी तरफ भी मैं स्पेस फेंस का गेट लगाऊंगा, ये वाला गेट। तो इसको भी मैं बना लेता हूँ और अब इसको लगाते हैं। ओके, तो ये बिल्कुल ठीक है। और इधर मैं ना अभी मेलन और पम्पकिंस की खेती करूँगा, तो अभी मैं जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे ना हुई से नाप लेता हूँ इस तरीके से, पोली पहले मिट्टी करके, फिर मैं चौथी ब्लॉक पे यहाँ पे मैं अभी पे पानी को लगाऊंगा। ओके, तब करना क्या है कि मैं पहले चारों तरफ इस तरीके से पोली मिट्टी करके मैं पहले नाप लेता हूँ चार चार ब्लॉक चारों तरफ से। तो अब आपको करना क्या है कि पानी के बिल्कुल साइड में ना आपको ना पोली मिट्टी करनी है, और पहले आप इस तरीके से नाप लेना, और बीच में आपको ना जो दो ब्लॉक होते हैं ना उन सबको ऐसे आपको डर्ट बना देना है। पानी के बिल्कुल साइड में आपको पोली मिट्टी करनी है, और इसके दो ब्लॉक छोड़ के ना चौथी ब्लॉक में आपको पोली मिट्टी लाइन से करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इन सबको मैं डर्ट बना लेता हूँ। ओके, तो अब करना क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से आपको लाइन से पोली मिट्टी करनी है इस तरीके से, और उधर भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। और बीच बीच में कहीं यहाँ पे घास हो ना उन सबको आप हटा देना, वरना वहाँ पे अगर घास होंगे ना तो वहाँ पे मेलन या फिर पम्पकिंस नहीं उगेंगे। और इधर भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो गाइस अभी मैंने इसके चारों तरफ ऐसे मैंने थोड़ा सा फेंस लगा दिया और पोली मिट्टी करके वहाँ पे बीज भी लगा दिया था। सर हुआ क्या था कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ करके फिर ऑन करना मैं भूल ही गया था, जिसे मुझे फिर से ये कर रहा हूँ मैं। अभी मैं ये पहले पोली मिट्टी कर लेता हूँ, और अब मेलन का मैं बीज बनाऊंगा। इसके लिए आपको जो मेलन बाइट होती है ना उन सबको आपको क्राफ्टिंग पे रखना, जिससे आपको मेलन का ये जो बीज होता है ना ये मिल जाएगा। और पोली मिट्टी पैसे जैसे क्लिक करोगे ना तो बस आपको वहाँ पे वो लग जाएगा। अगर आपके पास बोन मील है ना तो उसको लगा कर आप इन सबको जल्दी से उगा सकते हो। और अभी मैं इनके चारों तरफ ऐसे मैं फेंस को लगा देता हूँ, और आपको बीच में ना दो ब्लॉक छोड़ने हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं फेंस गेट को लगाना है। तो मैंने इसके चारों तरफ फेंस को लगा दिया है, तो अब मैं फेंस गेट को बनाऊंगा। तो पूरे मुझे चार फेंस गेट की जरूरत पड़ेगी, और मेरे पास तीन ओए के फेंस गेट है। तो अभी मैं एक और बना लेता हूँ, और मुझे चार स्पेस फेंस गेट की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो मैंने अभी चार बना लिया है, और यहाँ पे अभी मैं ये स्पेस फेंस को लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं स्पेस फेंस गेट को, और इधर मैं ओए के फेंस गेट को। ओके, तो ये पूरा हो चुका है। तो और अगर आपके पास बोन मिल है ना तो बोन मिल से आप इस मेलन को इस तरीके से जल्दी से बढ़ा सकते हो। जरूरी नहीं कि जब इसे उगाओ तभी मेलन उगाएगा, इसके कुछ देर बाद मेलन उगता है। और अभी मैं यहाँ पे ना ये फेंस को लगा देता हूँ, और अभी यहाँ पे फेंस ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा सा फेंस और बनाना पड़ेगा। तो छह फेंस काफ़ी होंगे। तो मैंने यहाँ पे फेंस को लगा दिया है, और अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे आप स्लैब को भी इसके ऊपर लगा सकते हो। मैं ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे मॉब्स स्पॉन हो जाते हैं, और यहाँ पे पोली मिट्टी पर अगर वो चलते हैं ना तो पोली मिट्टी वो ख़राब कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लगा सकते हो। लेकिन मेरे को वो अच्छा नहीं लग रहा, इसे मैंने नहीं लगा रहा। तो मैंने यहाँ पे टॉर्च भी लगा लिया है, और लगाना चाहो तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हो। तो अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।